जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास की दूसरे कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले काव्यांश देखिए। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सभी पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब इसका जो कठिन शब्द इसमें आए हैं उनका शब्दार्थ देख लीजिए। बलि, बलि का अर्थ है दान दक्षिणा। बनिक, बनिक माने बनिया व्यापारी। बनिज व्यापार। चाकर यानी कि नौकर। चाकरी, चाकरी का अर्थ है नौकरी। सिद्धमान, सिद्धमान विवश होकर, दुखी होकर। सोच, सोच का अर्थ है चिंता। अब बस वर्ष में नहीं, एक एक अंशो, एक एक अंशो अर्थ होता है एक एक दूसरे से यानी कि सबसे। का करी, क्या करें। वेदहूँ, वेदहूँ वेद में भी, वेदों में भी। लोकहूँ संसार में भी। बिलोकियत देखकर। साकरे सब संकट के समय में। रावरे आपने, ईश्वर ने। दरिद्रता गरीबी। दसानन, दसानन अर्थात रावण। दबाई, दबाई मतलब दुनिया, वो दबाया मतलब, और दुनी माने दुनिया संसार। दीन बंधु दीनों के बंधु यानी कि दीनों पर कृपा करने वाले, गरीबों के मित्र। दुरित, दुरित माने पाप दुष्ट आचार। दहन, दहन का अर्थ है दहन करना नाश करना। हाहाकारी, हाहाकार करना, त्राही त्राही करना, दुखी होना, ये इसके शब्द अर्थ हैं। तो अब इसका संदर्भ सहित भावार्थ समझ लीजिए। प्रस्तुत कविता में चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास अपने आराध्य राम से उसे दूर करने की प्रार्थना अत्यंत दीन भाव से करते हैं। भावार्थ समझ लीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, खेती ना किसान को, किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है, किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती और बनिए को, व्यापारियों को व्यापार नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है उनका, और नौकरी करने वालों के पास कोई नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, न चाकर को चाकरी, न नौकर को, नौकरी करने के लोगों को, नौकरी करने के इच्छुक लोगों को किसी प्रकार की नौकरी मिलती है, नौकरी मिल पा रही है। तो जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोचवत, जीविका विहीन है लोग, जीविका विहीन है यानी कि रोजगार नहीं है उनके पास, वो लोग बेरोजगार हैं। तो जब वो सारे जीविका, जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, जीविका विहीन हैं, बेरोजगार हैं, तो ऐसे में सिद्धिमान सोचवत, सिद्धिमान विवश होकर, मजबूर होकर, सोच बस, सोच में पड़ गए हैं, सोच रहे हैं, सारे जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग दुखी एवं शोक के वश में होकर, कहें एक एकन सो, एक एक दूसरे से कहते हैं, सब एक दूसरे से कहते हैं, सबसे कहते हैं, कहाँ जाई, का करी, कहते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, यानी कि हम कुछ काम करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए
कहाँ जाएं और क्या करें, सब एक दूसरे से ये बात करते हैं, कहते हैं। कोई भी राह या उपाय नहीं उन्हें सूझ रहा। वेदों पुराण कही, वेदों में और पुराणों में भी कहा गया है, ये तो वेद और पुराणों में भी कहते हैं क्या कि तथा लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि संकट के सामने आपने ही सब पर कृपा की है। साकरे सबे पे है, संकट के समय में आपने ही, यानी कि राम ने कृपा करी, राम ने ही सब पर कृपा दृष्टि की है। जब संकट का समय होता है, कष्ट का समय होता है, दुख का समय होता है, तब ऐसे में श्री राम ही सब पर कृपा दृष्टि करते हैं और पाप करते। फिर दारिद्र दसानन दवाई धुनी दीन बिंदु, दारिद्र मतलब दरिद्रता, दसानन रावण, तो यहाँ पर होगा दरिद्रता रूपी रावण। तो दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है, दुनी दबाई, दुनिया को दबा लिया है। दीन बंधु, हे दीनों के बंधु अर्थात श्री राम। तो हे दीन बंधु, इस सारी दुनिया को, समस्त संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा लिया है, अर्थात समस्त और दरिद्रता फैली हुई है। समस्त और दरिद्रता रूपी रावण के अत्याचार हैं और इस तरह के पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास हाहा, यानी कि हाहाकार करते हैं लोग। तुलसीदास जी कहते हैं अंत में कि इस तरह से सब में दरिद्रता व्याप्त है, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई किसी के पास काम करने का साधन नहीं है। ऐसी विकट स्थिति को देखकर, दुरित दहन देखी, बड़े पाप की ज्वाला को देखकर, बड़ी दुष्कर अवस्था को देखकर अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हाहा करी कि हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे दीन जनों की सहायता के लिए तुलसीदास प्रार्थना करते हैं, कर रहा हूँ। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास बीत रात संत नहीं थे, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार भी थे। यहाँ पर कवि ने लोगों की जीविका विहीनता का चित्रण बहुत ही सुंदर करते हुए लिखा है कि ऐसा भयानक समय आ गया है कि जिसमें किसान के पास खेती करने का साधन नहीं है, भिक्षुक भिखारी हो तो उसे भिक्षा नहीं मिलती है क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो भिक्षा करने को भी कोई कहाँ से कुछ देगा, और ना ही दान दक्षिणा मिल रही है। व्यापारियों का व्यापार नहीं चलता और नौकरी करने वालों को कोई नौकरी नहीं मिलती। कहने का आशय यह है कि समाज में किसान, मजदूर, व्यापारी, भिखारी, नौकर आदि सभी जीविका विहीन होने के कारण भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है ना। और इसी तरह कवि ने दारिद्र दशानन दवाई धुनि के माध्यम से रावण की तुलना दरिद्रता से की है, गरीबी, दरिद्रता गरीबी। कवि का कहना है कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को पूरी तरह से दबा दिया है, जिससे समूची दुनिया को उन्होंने अपने पंजों में दबोच रखा है। जिस तरह से रावण ने अच्छाई, सुकर्म, सुंदरता, कोमलता आदि की प्रतीक सीता को अपने पंजों में दबोच किया था, उसी तरह अच्छाई, परोपकार आदि गुणों को दरिद्रता ने अपने पंचों में दबोच लिया है। इसी कारण बुरे कर्मों के प्रतीक रावण की तुलना दरिद्रता से की गई है, दरिद्रता का प्रतीक रावण को बताया है, हैं? और ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी हाहाकार को देखकर पूरी सब जगह हाहाकार मची हुई है। और तुलसीदास अंत में श्री राम से ये प्रार्थना कर रहे हैं
विनय कर रहे हैं, क्योंकि वो ही एक दिनों के बंधु हैं, दिनों पर कृपा करने वाले हैं, दिनों के साथी हैं, दिनों को उबार करने वाले हैं कि वो इस दुनिया से, इस दरिद्रता से उनको उबार दें। आगे अब इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न देखिए। पहले काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद में, जो कि ये कवित है, ब्रजभाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। बली बनिक को बनिच, दारिद दशानंद नवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी में सुंदर अनुप्रास अलंकार है। और दारिद दशानंद यानी कि दरिद्रा रूपी दशानंद, इस पद में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में दरिद्रता को दशानंद की संज्ञा देते हुए तुलसीदास ने समाज पर पड़ने वाले उसके विषम प्रभाव का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। दरिद्रता रूपी दशानंद द्वारा दुनिया को दबाना अर्थात संकट की व्यापक अभिव्यंजना करता है। इस दरिद्रता की दशानंद को राम द्वारा ही मारा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इस काव्यांश में कवि के मन में अपने आराध्य के प्रति अखंड श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है। इस काव्यांश में गेयता है, संगीतात्मकता है, इसको अच्छे से गाया जा सकता है, माधुर्य गुण है और चित्रात्मक शैली है कि उस परिस्थिति का ऐसा वर्णन किया है कि हमारे सामने पूरी तरह से उसका चित्र खिंच जाता है। आगे देखिए अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि ने लोगों की जीवनहीनता का चित्रण कैसे किया है? तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, कवि ने लोगों की जीविका विहीनता का चित्रण करते हुए लिखा है कि इतना भयानक समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है जिसमें किसान के पास खेती करने के लिए साधन नहीं है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी के पास भिक्षा नहीं है, उसे कोई भिक्षा नहीं दे रहा है और ना ही दान दक्षिणा दी जा रही है किसी को, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा और नौकरी करने वालों को कोई नौकरी नहीं मिलती। कहने का आशय यह है कि समाज में किसान, मजदूर, भिखारी, व्यापारी, नौकर आदि सभी जीविका विहीन होने के कारण भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर इस तरह से देख लीजिए, कवि ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है। कैसे? दारिद्र दशाई दशानंद दवाई दुनी के माध्यम से रावण की तुलना दरिद्रता से की गई है। कवि का कहना है कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दरिद्रता से दबा दिया है, सब जगह गरीबी छाई हुई है, उसने समूची दुनिया को अपने पंजों में दबोच लिया है। जिस तरह से रावण ने अच्छाई को छोड़कर बुरे आचरण से, अपने कुकर्म से, अधर्म पर चलकर सब जगह त्राही त्राही मचा रखी थी, उसी तरह से दरिद्रता के कारण सब जगह हाहाकार मचा हुआ है और दरिद्रता के कारण सब समाज में बहुत बुरी भुखमरी की सी हालत हो रही है। अगला प्रश्न, राम भक्ति के संदर्भ में कवि का क्या कहना है? इसका उत्तर हम इस तरह से कह सकते हैं, कवि तुलसीदास राम भक्त हैं और राम भक्ति के संदर्भ में कवि का कहना है कि राम की भक्ति द्वारा ही इस संकटपूर्ण स्थिति से उबरा जा सकता है।
इस भयानक भुखमरी की स्थिति से बाहर आने में दीन बंधु श्री राम से ही मदद मिल सकती है, उन्हीं से उद्धार की आशा है। अतीत के सभी साक्ष्य यही प्रमाणित करते हैं कि श्री राम की कृपा से ही सब प्रकार के संकट टल सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके विचार से तुलसी को हाहा करने की नौबत क्यों आई? इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं कि जब दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे विश्व को पूरी तरह जकड़ लिया है, तब उसके पापों की बढ़ती ज्वाला को देखकर लोगों के साथ साथ तुलसीदास भी हाहाकार करने लगे। हाहाकार करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि भुखमरी के कारण चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। चारों तरफ फैली पापों की ज्वाला देखकर ही तुलसी हाय हाय करते हैं और अत्यंत कातर स्वर में, अत्यंत दीनहीन स्वर में भगवान श्री राम से सहायता की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अब सौंदर्य संबंधित प्रश्न देख लीजिए। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका भावार्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, वही इसका भाव सौंदर्य है। देख लीजिए फिर से कि इस काव्यांश में तुलसीदास ने अपने समय में समाज में फैली विषम आर्थिक स्थिति और दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी खराब आर्थिक स्थिति से त्रस्त होकर निरुपाय हो गए हैं। उन्हें इस दरिद्रता रूपी संकट से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कवि ने दरिद्रता को रावण कहते हुए अपने आराध्य राम से उसका शमन करने की प्रार्थना की है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। शिल्प सौंदर्य देखिए, काव्यांश में छंद कौन सा है? कवित। कवित छंद का सुंदर प्रयोग है। काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य भाषा रही है भक्तिकालीन कवियों की, खासकर तो कृष्ण भक्ति की, पर यहाँ पर इस कवितावली में तुलसीदास ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसका सर्वाधिक उत्कृष्ट काव्य प्रयोग हमें तुलसीदास की रचनाओं जैसे कि विनय पत्रिका और कवितावली में देखने को मिलता है। कवि ने इसमें रूपक, अनुप्रास, प्रश्न आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। काव्यांश में अलंकार, अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे दारिद दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, फिर दुरित दहन देखी। तो ये बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार है। राम राबरे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और कहाँ जाई काकरी, काका की पुनरावृत्ति का वर्ण की, इसमें भी सुंदर अनुप्रास अलंकार है। आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये कवित पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा प्रयास किया होगा आपने समझने का, प्रश्नोत्तर को भी ध्यान से सुना होगा। और इसके आगे का जो अब एक सवैया है उसको हम अगली वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। उसके साथ ही आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।